बच्चों कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 8.2 का. हमारा क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, आपको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसका जो ए बी साइड है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और एंगल ए बी सी वो कितना डिग्री होना चाहिए, एंगल बी के पास वो 45 डिग्री होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं कि इसका हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे. बच्चे इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले बच्चों आप कंपास से ही कंस्ट्रक्शन करोगे क्योंकि आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो कंपास से ही करना है बच्चों. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसमें स्केल. इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको बीसी बनाना पड़ेगा. कितना दिया हुआ है बीसी आपको, 6 सेंटीमीटर आपको बनाना है. तो चलिए देखते हैं हम बीसी कैसे बनाएंगे. आप मेज़र कर लो स्केल से 6 सेंटीमीटर. ये देखिए मैं बीसी जो है वो मेज़र कर ली हूँ. ये हो गया बी और ये हो गया सी. ये कितना सेंटीमीटर हो गया ये बच्चों, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया. अब हमें क्या करना है, एंगल बी के पास जो है वो 90 डिग्री बनाना है. तो एंगल बी के पास हम 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले एक 45 डिग्री बनाना है ना बच्चों हमें. तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ मैं, छोटा ही बनाती हूँ. जैसे मैं पहले आपको बताई हूँ कैसे 90 डिग्री बनाते हैं. 45 बनाना है तो आप 90 को हाफ कर दो, आपका जो है वो बन जाएगा 45. सबसे पहले आप 90 बना लो. मैं बताई हूँ आपको 120 और 60 पे लेके एक दो कट लगाना है तो आपको वो है वो 90 डिग्री मिल जाएगा. ये जो लाइन है बच्चों ये जो है आप रफली आप एक 90 डिग्री बना लो और 90 को आप हाफ़ कर दो. तो जब आप 90 को हाफ़ कर दोगे तो आपको 45 डिग्री मिल जाएगा. यहाँ चलिए मैं हम 90 को हाफ़ करते हैं और एक यहाँ पे 90. अभी तक आपको तो 90 का बनाने आ ही गया होगा. मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बताई हूँ कि 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं. तो ये जो है हमारा, इसको आप मेज़र करके आप इसको एसी ले लो क्योंकि एसी जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है. तो आप यहाँ से जब भी लोगे तो आप मेज़र करके ले लो इस कट को. ये देखो बच्चों ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ तक होगा. तो हम मेज़र करके इसका जो है वो क्या बना लेंगे, 4 सेंटीमीटर. और जो यहाँ पे है फिर इसको हम मिला देंगे क्योंकि इसका कोई दिया हुआ लेंथ है नहीं. तो इसको हम बस एक ट्रायंगल बनाने के लिए इसी को हम ये देखिए बच्चों ये जो है हमारा ये एंगल ए बी सी मिल गया जिसमें आपको ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर मिल गया, बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर मिल गया और एंगल ए बी सी जो है वो आपको मिल गया 45 डिग्री. तो यही जो है आपको क्या करना है, बनाना है एंगल ए बी सी बनाना है जिसमें ए बी जो है वो कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी सी जो है वो होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी जो है वो होना चाहिए 45 डिग्री. मैंने यहाँ सबसे पहले 90 बनाया, फिर 90 को जो है दोनों इक्वल भाग में जो मैं डिवाइड कर दी हूँ और उसके बाद मेरा 45 मिल गया यहाँ से. और फिर मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो लेंथ आया है मैं उसको जो है बस मिला दी हूँ, ज्वाइन कर दी हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी का कुछ लेंथ दिया हुआ नहीं था. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बच्चों.
देखते हैं बच्चों हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हमारा क्वेश्चन है इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड एंड इंक्लाइंड एंगल ऑफ वन इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लाइंड एंगल ऑफ द अदर्स देन द ट्रायंगल्स आर कोइंसिडेंट विथ ईच अदर। लेट्स ड्रॉ टू सच ट्रायंगल्स एंड देन कटिंग देम ऑफ लेट्स अस वेरीफाई इफ़ दीज आर कॉन्सिडेंट विथ ईच अदर। मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि हम अगर दो ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी एंड पी क्यू आर, हमारे पास दो ट्रायंगल है। अगर एक ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का दो साइड और वन इंक्लाइंड एंगल के बराबर हो, इक्वल हो, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो आपस में जो है कॉन्सिडेंट होते होंगे। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है कि मतलब एक ही तरह का है, समान है। अगर इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये क्या कर लेंगे, ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, ये दूसरा एक दूसरे ट्रायंगल जो है एक समान हो जाएंगे, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो एक ही नज़र आएंगे। अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो सारा चीज़ उसका साइड जो है, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके, ये एंगल इस, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे को जो है वो ढक देते हैं। कॉन्सिडेंट का मतलब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ बच्चों, कॉन्सिडेंट या कॉन्गुरेंस आपका इसका मतलब ये हो गया कि एक समान है, मीन्स ये दोनों जो हैं वो एक ही हो जाते हैं। अगर ये ट्रायंगल को काट के इसके ऊपर रख दिया जाए तो आपका सारा जो है इसका साइड जो है सारा एक ही हो जाएगा, आपका कोई अंतर नहीं होगा, कोई इसका साइड बड़ा छोटा नहीं होगा, एकदम इक्वल हो जाएंगे साइड में दोनों, और दिखेगा भी नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल में जब मैं कंस्ट्रक्शन बताऊँगी तो मैं आपको समझा दूँगी कि कॉन्सिडेंट का जो है वो एक्चुअली मतलब क्या होता है, जब मैं आपको प्रूफ करूँगी, काट कर पिक्चर दिखाऊंगी तब। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ, मैं एक रफ डायग्राम में कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका जो है 6 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप प्रूव करिए कि अगर एक ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल के इक्वल होता है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्सिडेंट ट्रायंगल होते हैं। इसको आपको प्रूव करना है काट के। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखते हैं बच्चों कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको एक स्केल चाहिए, कंपास चाहिए एंड पेंसिल चाहिए एंड प्रोटेक्टर चाहिए। अगर प्रोटेक्टर आपके पास नहीं भी है तो आप, मैं आपको बताई हूँ कि आप कंपास का यूज़ करके कैसे जो है इसका डायग्राम जो है वो बना सकते हो। तो रफ डायग्राम मैं बताई थी कि आपको जो है दो जो है वो ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ दो ट्रायंगल बच्चों। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप मेजर कर लो। ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपको 6 सेंटीमीटर लेकर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, या तो फिर आप जब बी पे ना 60 डिग्री बनाओगे उस समय भी आप कर सकते हो और इस समय भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई वो नहीं है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कब लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप 60 डिग्री का बना लो। आप कितना भी डिग्री का बना सकते हो, बस आपका ये होना चाहिए कि अब जो दो ट्रायंगल बनाओगे उसका दो साइड और एक एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए बच्चों। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें 70 डिग्री ले सकते हो, 90 डिग्री ले सकते हो,
ये आपकी मर्जी है, बस आपको प्रूव करना है। आप मेजर कर लो यहाँ से, देखिए बच्चों यहाँ मेजर करने पे हमारा 60 डिग्री आ गया। मैं बताई हूँ आपको, जो फर्स्ट कट लगता है वो 60 डिग्री का लगता है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, ये हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 60 डिग्री का हो गया। आप इसको यहाँ सी से ज्वाइन कर दो। ये हमारा मिल गया ए बी सी। सेम आपको बोल रहा है कि एक ट्रायंगल जो है वो जो जिसका दो साइड जो है और एक एंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल्स का दो साइड और दो एंगल के बराबर होता है। आपको एक कॉन्सिडेंस होते हैं, आपको ये प्रूव करना है। तो सेकंड में भी आपको यही करना है। आप क्या करो, 5 सेंटीमीटर ले लो, ये आपका क्यू आर हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर आपको यहाँ से जो है वो ट्रायंगल लेना है, जितना आप ये ले लिए हो उतना ही ले लो। और यहाँ पे बना लो आप ट्रायंगल, यहाँ पे आप ट्रायंगल बना लो और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का बना लेना, क्योंकि आपको दो साइड और एक एंगल जो है वो आपको प्रूफ करना है बच्चों। मैं एक का एक ही ले लेती हूँ। आपको जिस टाइप से जो है कंफर्टेबल होगा, आप मैं 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ले ली हूँ और इसको जो है वो क्या की हूँ, उसको ज्वाइन कर दी हूँ। ये हमारा देख लो बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये जो है ना वो हमारा 6 सेंटीमीटर का है। तो ये हो गया हमारा पी क्यू आर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का और ये हो गया 60 डिग्री। हमारा क्वेश्चन है सिंपली बच्चों कि अगर दो ट्रायंगल है, अगर दो ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल के बराबर हो, मतलब ए बी जो हो वो पी क्यू के बराबर है अगर, और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, और एक एंगल जो कि बी है वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के 60 डिग्री के बराबर है। ये कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल पी ए बी सी जो है वो कॉन्सिडेंट हैं एंगल पी क्यू आर के। चलिए बच्चों, जो आपको दिया हुआ था कि आपको कॉन्सिडेंट आपको जो है वो बताना था काट के, इसका मतलब होता है कि अगर आप एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दोगे तो ये पूरा के पूरा का पूरा एक दूसरे को क्या कर लेगा, ये कवर कर लेगा, ढक लेगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समान होगा, ये साइड जो है इस साइड के बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, और पूरा एंगल तीनों जो है वो आपस में भी बराबर होगा। तो ये हो जाता है आपका कॉन्सिडेंट। आपको मैं बताई थी कि यहाँ पे एक दूसरे के क्या करे, ओवरलैप करे, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो यही आपको पूरा जो है वो प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर लोगे कि आपका जो है ये दोनों ट्रायंगल जो है दो साइड जो है, अगर दो साइड और एक एंगल दूसरे साइड और एक एंगल के जो है वो इक्वल हो तो ये दोनों कॉन्सिडेंट रहते हैं। देखते हैं बच्चों कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्या है, एक्सरसाइज 8.3 का 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बच्चों, लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच डैट पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री इन पी क्यू आर। लेट्स ऑल्सो मेजर द साइड पी आर विथ स्केल एंड टेक डाउन द मेजर्ड वैल्यू। मीन्स आपको इसमें क्या ड्रॉ करना है, आपको इसमें मैं एक रफ डायग्राम बता देती हूँ। आपको एक इसमें ड्रॉ करना है ट्रायंगल पी क्यू
आर जिसमें एंगल क्यू जो है वो है आपका 90 डिग्री। ओके बच्चों, उसके बाद क्या है दिया हुआ है कि आपका जो पी क्यू है उसका जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर का लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। और आपको क्या बोला है कि आप इसको ट्रायंगल को है वो ड्रॉ करिए जिसमें पी क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्यू आर जो है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और एंगल पी क्यू आर जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपको पी आर जो है वो मेज़र करने के लिए बोला है स्केल से और आपको इसका जो है वो वैल्यू लिखने के लिए बोला है। तो मैं एक एडिशनल जानकारी आप लोग को इसमें दे देती हूँ बच्चों, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो हम क्या लगाते हैं, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है मीन्स पी आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल एंगल है तो राइट ट्रायंगल है तो पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा और क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पी आर का वैल्यू स्केल से जो है वो मेज़र करना है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा पी आर जो है वो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे बाई फार्मूला। तो यहाँ पे तो हमारा पी आर दिया हुआ है ही नहीं, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर आप रख लो, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9। तो पी आर आ गया आपका, पी आर जो आ गया 25 आ गया और पी आर जो है स्क्वायर रूट में 25 को निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या निकाल लिया बच्चों कि ये जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम ड्राइंग जो है वो बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो है वो मेज़रमेंट सही आता है या नहीं। आप इस तरीके से भी आप चेक कर लोगे कि अगर आपका 5 सेंटीमीटर से अधिक अगर आ जाएगा तो आप समझ लेना कि आपका जो है कहीं ना कहीं मेज़रमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आप गलत किए हो, तो आपका 5 सेंटीमीटर नहीं आ रहा। मैं आपको एक ऐसे ही बता देती हूँ, इसके लिए आपको क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि आप एक ट्रायंगल बना लो, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे फोकस कर लो बच्चों, यहाँ पे आपको बनाना है क्यू आर बनाना है, सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर का, तो आप ले लो लेंथ 3 सेंटीमीटर, ये आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्यू लिख दो, यहाँ पे आर लिख दो, ये क्या है 3 सेंटीमीटर है। आपको एंगल क्यू पे जो है वो अब 90 डिग्री बनाना है, तो आप क्यू पे सेंटर रख के आप इसका 90 डिग्री बना लो बच्चों। आप एक कट यहाँ से लेके काट दो 60 से और एक कट आप 20 से लेके 120 से लेके काट दो, ये जो पॉइंट मिल जाएगा आपको वो हो जाएगा, अगर आप क्यू से मिला दोगे इसको, ये पॉइंट ये आपका मिल जाएगा 90 डिग्री। अब आपको इसमें कितना सेंटीमीटर लेना है, आपको 4 सेंटीमीटर ही लेना है। मैं आपको बिना मेज़र किए जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी हूँ, लेकिन देखिए ये पूरा का पूरा 4 ही है ये पूरा कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। और यहाँ मैं ऐसे ही जो है वो मिला देती हूँ, तो ये हमारा हो गया P, Q और R हो गया बच्चों। ये जो है वो Q जो है वो कितना डिग्री हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हमारा कितना डिग्री बोला है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर बोला है। हमारा बस दिया हुआ है कि आप पी क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू आर जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल पी क्यू है जो वो 90 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको क्यू आर का वैल्यू जो है वो मेज़र करना है और आपको लिखना है कि जो वो क्यू आर हैगा वो कितना डिग्री होगा बच्चों। तो क्यू आर को आप मेज़र कर लो यहाँ से,
तो आपको कितना निकल गया बच्चों, यहाँ पे आप मेज़र कर लो कि देख लो क्यू आर जो है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ से आपका यहाँ तक आ रहा है बच्चों। तो आपका जो है वो क्यू आर जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो निकल गया बच्चों। तो इस तरीके से आप मेज़र करके जो है वो क्यू आर का जो है वो वैल्यू लिख लोगे बच्चों। तो इस तरीके से जो है वो आपका ये कंस्ट्रक्शन बन जाएगा और ये क्यू पी पी आर का वैल्यू जो है आपका मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर आपका मिल गया बच्चों, क्यू आर जो है वो क्या मिल गया 3 सेंटीमीटर, और पी आर जिसको आपको मेज़र करके लिखना था वो आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर बच्चों। यही आपको मेज़र करके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको लिखना है, और एंगल पी क्यू आर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो यही जो है वो आपको लिखना था, पी आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको जो है वो आंसर बनाना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर और 4 क्या है 8.2 का, तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज टू इक्वल साइड्स आर 7.2 सेंटीमीटर ईच एंड द एंगल इंक्लाइंड बिटवीन देम इज 180 डिग्री। मीन्स आपको क्या ड्रॉ करना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका जो दो साइड का जो दोनों इक्वल साइड का जो मेजरमेंट दिया हुआ है, लेंथ जो है वो 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच मतलब जो दो इक्वल साइड हैं उन दोनों का बीच जो एंगल है वो कितना है हमारा 100 डिग्री है। तो आप देख लीजिए बच्चों, आप मान लो आप यहाँ पे इसको लेकर बेस लेके यहाँ पे आप बनाओगे, यहाँ पे क्यू जो है वो, यहाँ पे क्यू जो है वो आप बनाओगे 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए कि दो इक्वल साइड, ये दोनों साइड क्या होगा, ये दोनों इक्वल साइड के बीच का जो एंगल है वही आपका 180 डिग्री बनाना है बच्चों। तो यहाँ पे आपको 7.2 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 7.2 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही जो इक्वल साइड यहाँ पे ले लो, जो इक्वल साइड है बच्चों पी क्यू आर का, इक्वल साइड कौन है, पी क्यू है और क्यू आर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर का दोनों इक्वल साइड के बीच का जो हमारा एंगल है वो कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो है हम डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चों, इसका डायग्राम। इसका डायग्राम जो है, सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे आपको मैं फिगर में दिखाई थी यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बनाना है एक रफ डायग्राम, यहाँ पे मैं बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए बनाने में। यहाँ पे आपको बनाना है एक ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, पी क्यू आर बनाना है, जिसका जो पी क्यू और क्यू आर जो है वो साइड जो है वो इक्वल है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है क्यू उसका कितना है, 100 डिग्री है। तो अभी तक बच्चों मैं आपको बताई हूँ कि कैसे जो है वो आप कंपास से जो है वो आप बनाओगे डिग्रियाँ। तो इसका जो है हम जो 100 डिग्री का है बच्चों उसका हम प्रोट्रैक्टर से मेज़र कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर का एक, मैं यहाँ पे आपको 7.2 का एक लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और इसका हम नाम क्या रख लेंगे, ये 7.2 है, इसका हम नाम रख देते हैं लाइन का क्यू आर। ये हो गया क्यू बच्चों, ये हो गया आर, इसका क्या है गया लेंथ 7.2 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि हमारा यहाँ पे दोनों साइड का जो है हमारा, दोनों साइड का जो है वो हमारा एंगल कितना होना चाहिए, 100 डिग्री। तो यहाँ से हम प्रोट्रैक्टर की मदद से हम 100 डिग्री का बना लेते हैं। एंगल क्यू पे बच्चों, ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पे हमारा दो साइड क्या होगा 7.2, ये तो 7.2 है, तो यहाँ तक का मेज़रमेंट हम लेकर और PQ बना देते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए 7.2 हो गया। अब ये पूरे लाइन को जो है आप मिला दो, तो ये हमारा हो जाएगा P हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। PQ का जो है वो हो जाएगा आपका लेंथ 7.2 सेंटीमीटर, एंगल Q हो जाएगा आपका 100 डिग्री। यही आपको बनाना है बच्चों कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता ही है आपको, दो साइड जो है वो इक्वल होता है और उन दोनों ये दो एंगल जो है वो इक्वल होता है। यहाँ पे आपका बच्चों आप देख लो पी क्यू जो है वो हो गया 7.2 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है वो हो गया 7.2 सेंटीमीटर, एंगल क्यू जो है वो हो गया 100 डिग्री बच्चों। आप यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसका अपोजिट जो साइड है उसका अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा। मींस एंगल आपका पी इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर का अपोजिट एंगल क्या है, पी है, और पी क्यू का अपोजिट एंगल आपका क्या है, आर है। तो जो साइड है उसका अपोजिट एंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है बच्चों। तो अगर आपका दो एंगल यहाँ पे इक्वल है, एंगल पी क्यू आर जो है इसका प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आपका क्यू दिया हुआ है आपका, ये दोनों तो बराबर है, एंगल पी और एंगल क्यू 100 डिग्री है, एंगल आर भी एक्स मान लो आप, क्योंकि दोनों इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180, मतलब ये 100 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू 50, तो ये दोनों जो है वो 50-50 होगा। तो हम यहाँ पे मेज़र करके देखते हैं कि हमारा ये 50 आता है या नहीं आता है। ये दिया हुआ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, फिफ्टी नहीं 40-40 होगा, तभी तो 40-40-80 हो जाएगा। तो ये 40 आ गया आपका, ये 40 आ गया ना बच्चों, ये एंगल 40 आ जाएगा, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 40 आ जाएगा। यहाँ पे 80 आया होगा, यहाँ पे 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ भी आप मेज़र करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। देखो बच्चों ये भी आ जो है ना हमारा, ये जो है हमारा 40 डिग्री बच्चों आ गया। तो एंगल पी एंगल क्यू हमारा 40-40 आ जाएगा। बाकी हमारा ये जो है इस तरह से हम जो है वो डायग्राम इसका बना लेंगे बच्चों।